आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो दो पार्ट है इसके, हम इसी वीडियो में करेंगे। पहले करते हैं पहला पार्ट, इसमें k की वैल्यू हमें निकालनी है जिसमें जो है वो दो इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो अगर रूट सेम हो तो रूट सेम तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होता है। तो अगर d इक्वल टू जीरो होगा तभी जो है वो रूट इक्वल आएंगे, तो d इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां पर जो है वो हमने क्या करना है, यहां सबसे पहले हमें चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट की जगह d की जगह हम फॉर्मूला रख देते हैं इक्वल टू जीरो और यहां पर ए बी सी की वैल्यू रख के देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है कि नहीं आती है। तो यहां पर जो है वो a की वैल्यू हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब से ये a की वैल्यू 2 हो गई, a इक्वल टू 2, b की वैल्यू जो है वो k हो गई, b इक्वल टू k और c की वैल्यू प्लस 3 हो गई और c की वैल्यू हो गई 3। ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमें इस इक्वेशन से मिल जाती हैं। अब उनको यहां पर पुट अप करते हैं, b का स्क्वायर मतलब k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई सी क्या है 3। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू ट्रांसपोज करके प्लस 24। ठीक है, अब यहां पर जो है वो रूट लगा देंगे इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, रूट लगाने से रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आएगी के की वैल्यू। इधर जो है वो इसके फैक्टर बना लेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब आपको मालूम है कि रूट के अंदर पेयर बनती है, वो पेयर बाहर आ जाती है बाकी अंदर रह जाता है। तो 2 की पेयर बन गई तो 2 तो आ गया अंडर रूट से बाहर, और अंडर रूट लगा के अंदर जो रहेगा वो रहेगा 2 3 जा 6। तो 2 रूट 6, के की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2 रूट 6। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो के की वैल्यू 2 रूट 6 निकल कर आई। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। फिर अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए तभी जो है वो इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो डी इक्वल टू 0 चाहिए और डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ डी की जगह पुट अप कर देंगे और ए बी सी की वैल्यू यहां से लेनी है जिसके लिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो के एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 हो गया 2 के एक्स और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहां पर ए एक्स स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू k है, b की वैल्यू माइनस 2k है क्योंकि x की तरह जगह होती है, b की वैल्यू माइनस 2kx है, सॉरी माइनस 2k है x नहीं, माइनस 2k है, और c की वैल्यू प्लस 6 है, c इक्वल टू प्लस 6 है। तो ये हमें जो है वो तीनों वैल्यूज मिल गई यहां पर इसमें रखने के लिए। अब रख के देख लेते हैं इनको, b स्क्वायर का मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर खाली k, c की जगह पर 6 इक्वल टू 0। माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 हो गया, k इंटू के स्क्वायर हो गया, तो 4k स्क्वायर तो ये आ गया, माइनस 4 6 जा 24 और साथ में k ये आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके अंदर देखते हैं कॉमन क्या आ सकता है, इसके अंदर से कॉमन बाहर आ जाएगा 4k, k दोनों टर्म में है तो 4k बाहर ले लेंगे क्योंकि 4 की टेबल में 24 भी आता है। ठीक है, अब यहां बचा अंदर खाली k माइनस और 4k बाहर आ गया, तो 4 6 24 इक्वल टू 0। ठीक है, 4k और k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4k को भी 0 के इक्वल रख के देखेंगे और k माइनस 6 को भी इक्वल टू 0 के रख के देखेंगे k की वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो जब 4k इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, k इक्वल टू 0/4 क्योंकि ये 4 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा 0, एक आंसर। दूसरा आ जाएगा यहां पर k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये k इक्वल टू ट्रांसपोज होके 0 माइनस 6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 6 यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 6। अब यहां पर ये भी है और ये भी है, दो आंसर हो गए। अब k की वैल्यू 0 हम यहां पर मानेंगे नहीं,
इसलिए नहीं मानेंगे कि अगर के की वैल्यू जीरो यहां पर रख दे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, के की जगह पर, तो ये हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म हो गई जीरो और एक्स स्क्वायर गायब हो गया। तो अगर टर्म जीरो हो जाएगी और एक्स स्क्वायर यहां से हट जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में नहीं रहेगी, इसलिए इसे तो कर देंगे कैंसिल और हम अपना आंसर रखेंगे यहां पे के की वैल्यू सिक्स। तो ये आंसर हो गया इसका सेकंड पार्ट का सिक्स। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।